Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिग बॉस के घर में वीकेंड का बार में काफ़ी कुछ हुआ दोस्तों, जैसा कि होना ही था। शालिन भनोट को बुरे तरीके से क्लास ली गई, अर्चना गौतम की भी क्लास ली गई, निम्रत को भी सलमान खान ने डांटा, काफ़ी कुछ देखने को आपको मिलेगा। और उससे उसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है कि एविक्शन किसकी हुई है, जबकि आपने देखा कि बहुत समय बिग बॉस के घर से कोई एविक्ट ही नहीं हो रहा था, तो अब धड़ाधड़ एविक्शन होंगी क्योंकि बिग बॉस के घर में बिग बॉस का एक्सटेंडेड पीरियड हो गया है, तो उतना भी समय नहीं है कि भैया अब तो दो दो करके निकालने पड़ेंगे। तो इस बार विकास मनकोटिया बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिए गए हैं। बहुत कोशिश की, बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने लड़ी, बहुत सारी बदतमीज़ियाँ की नॉमिनेट होने के बाद से। तो जब से आया था तो उसको लगता था कि शायद से वो बिग बॉस को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। शालिन भनोट को भी ऐसा लगता था कि शालिन का गुरु बन के वो आया है। तो विकास बिग बॉस के घर से निकल गया है, तो चलिए इसके ऊपर जनता की क्या प्रतिक्रिया है हम जानते हैं। हेलो जी। हाँ, सबसे पहले तो आपकी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर, मैं एक एडवोकेट हूँ और मैंने बिग बॉस के तकरीबन सारे सीज़न, इस बार भी सारे एपिसोड मैं देखता आ रहा हूँ बारीकी से। और जैसे आपने बोला कि विकास को निकाल दिया गया, वो अच्छा किया गया सर, क्योंकि वो देखिए कितनी फेक फाइट्स क्रिएट की उसने, कैसे अर्चना को उसने कास्टिज्म शब्द यूज़ किए, वो बहुत मतलब एक बोलते हैं ना कि सोसाइटी के लिए गिरा हुआ इंसान वो साबित हुआ। बिग बॉस ने एक अच्छा निर्णय लिया जिसे अब हमारा इंटरेस्ट उसमें दोबारा से जाग गया है कि हाँ, जो भी बिग बॉस में हुआ वो बहुत अच्छा किया गया। तो ये बहुत सारे लोगों से हमने बात की, तो विकास मनकोटिया की एविक्शन को लेकर जनता है खुश, तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।